बच्चों, हमने आपको पेंटिंग करना सिखाया था, सभी को पेंटिंग आ गई होगी, तो कुछ अच्छा पेंट करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे नेचर, कुछ अच्छे ड्राइंग्स बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक नेचर बनाने वाले हैं, इसको अंत तक ज़रूर देखिए। आइए सीखते हैं। देखना, कोई भी इमेज जब हम बनाते हैं तो बनने के बाद ऐसी दिखे कि देखने वाला ये सोचे कि पता नहीं कैसे बनी। और मैं इसमें इतने छोटे इतने आसान टूल यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ कि आप देखोगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ पेंसिल। क्या मैंने पेंसिल उठाई और कलर उठा लिया, कोई भी कलर हम ले लेते हैं। इस कलर से मैं, आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, एकदम इस तरह से मैंने सीधी लाइन, ये ऐसे ऐसे मैंने। अब यहाँ पे जहाँ से हमने लाइन शुरू करी है वहाँ से और जहाँ एंड करी है वहाँ पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए, ताकि हम जब इसमें कलर डालें तो वो कलर बाहर ना निकले या अंदर ही रह जाए। डल गया ना। अब मैं कोई दूसरा कलर उठाता हूँ। मैंने कलर उठा लिया यहाँ पे ऑरेंज वाला, ठीक है। और फिर से मैं एक लाइन ले करके यहाँ से लाइन बनाऊँगा, ये ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन बनाऊँगा, ये ऐसे लाइन नहीं, अभी पेंसिल ही यूज़ कर लेते हैं। पेंसिल लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं पेंसिल ये ऐसे टिका दी मैंने नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंसिल को करता हूँ यहाँ पे ऐसे, ओके। और ऐसे ही यहाँ भी आप कर सकते हैं इसको पेंसिल से। अब फिर से कलर उठाऊँगा मैं, इधर कलर डाल दिया, इधर कलर डाल दिया। ये दिख रहा है एक टापू सा, है ना। लेकिन अभी हमको ये दिख रहा होगा पता नहीं क्या ऐसे ही कलर डाल रहा है, लेकिन जब ये क्रिएट होती है तो देखना कितना अच्छा क्रिएट होगा। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्काई ब्लू कलर, थोड़ा सा डार्क वाला ले ले। और ब्रश लेके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो सीधी लाइन बनेगी नहीं। आप देखना, मैं यहाँ पर सीधी लाइन बना रहा हूँ, लेकिन ये सीधी लाइन बनेगी नहीं, और हमने सीधी लाइन बनानी भी नहीं है। इसमें भी ये देखना है कलर बाहर ना निकले। अब इसमें भी कलर डाल देता हूँ मैं, चल गया। आप थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू ले लेंगे और ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और इसमें यूँ ना थोड़ा सा हम यूँ रेसे से डाल देंगे। पता है ना अब आपको ये क्या बन गया, ये पानी की लहर सी बन गई, यहाँ पे बन गई ना। अब फिर से मैं पेंसिल ही उठाऊँगा और कलर ले लेता हूँ मैं डार्क ग्रीन, और यहाँ पे मैं पेंसिल से ना ऐसे ऐसे आप देखोगे यूँ मैं ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना रहा हूँ। ये लाइनें बनने के बाद इसमें भी हम कलर फिल कर देंगे, ठीक है। हमने सभी में कलर फिल कर देना है, हो गया कलर फिल। और ऊपर हम कलर डाल देंगे स्काई में, हो गया हमारा स्काई भी। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं एक सर्कल, और मैंने यहाँ पे बना दिया एक थोड़ा सा ये ऐसे सूर्य सा। इसमें भी मैं कलर फिल कर दूँगा, किस प्रकार का कलर मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, ये हो गया। अब फिर से ब्रश उठा लेंगे, और इस बार हम ब्रश ले लेंगे वैक्स कलर वाली, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके यहाँ पे मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा इसको यूँ, ठीक है। और यूँ सा थोड़ा सा आप देख रहे हो ना परछाई सी इसकी पानी में जो गिर रही है वो शन की। इसके अलावा वाइट कलर लेके आप वहाँ पे ये इस तरह के हम क्लाउड भी बना सकते हैं, है ना। ऐसे हम ये क्लाउड भी बना सकते हैं। वापस इनमें भी हम कलर फिल कर देंगे, वाइट कलर ही फिल करना है इनमें भी, क्लाउड्स भी हो गए। कोई पेड़ वगैरह बनाना चाहिए पेड़ वगैरह बना सकते हैं। ये एक आसान सा नेचर छोटे बच्चों के लिए हमारा बन के तैयार हो गया। उम्मीद है सभी दोस्तों से और बच्चों से आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।